तमीर और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हमें कैसे सक्सेस से आप लोग को मिलवाने जा रहे हैं। मेरा नाम संदीप बर्णवाल है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और तनवीर जी का भी अभिनंदन करता हूँ। गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, आई एम तनवीर आलम, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों जैसा कि कहा गया है कि गुरु के बिना ज्ञान अधूरा होता है, सोचा कि क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, या जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे समझ में नहीं आती थी यार इंग्लिश बड़ा टफ है, या ऐसा होता होगा वैसा होता होगा, तो मेरे दिमाग में आया कि क्या मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ या मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए। तो दोस्तों आज हम ऐसे ही गुरु से मिलवाने जा रहे हैं जो हमारे गुरु हैं और जिन्होंने हमको केवल इंग्लिश से नहीं सिखाया बल्कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड और ढेर सारी चीज़ें ज़िंदगी जीना सिखाया। एक बार की बात है, 2012 में जब मैं इंग्लिश सीख रहा था तो मुझे पेन हो रहा था, मैं कई समस्याओं से थोड़ा सा जूझ रहा था, बीमार हो गया था। तो बताया कि जिस चीज़ पर फोकस करोगे वही चीज़ फिर आपका दिमाग चला जाएगा। लेकिन जब मैं पहले दिन क्लास में आया तो सर ने एक खासियत है जो कि कहीं स्कूल में नहीं पूछा जाता है, हमसे एक चीज़ पूछा कि व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं या इंग्लिश सीख के क्या करना चाहते हैं या आपका उद्देश्य क्या है, जो कि किसी स्कूल में नहीं पूछा जाता है। मुझे ये चीज़ सबसे अच्छी लगी। तो दोस्तों चलिए मिलवाते हैं अपने सर से, तो आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप बर्णवाल है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और तनवीर जी का भी अभिनंदन करता हूँ जो यह है कि आज जो भी तनवीर यहाँ पर जो भी कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने का मौका मिलेगा। और सबसे पहले तनवीर जब 2012 में मेरे पास आए थे तो इन्होंने कहा था क्या मैं भी इंग्लिश सीख सकता हूँ, तो मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि मेरा बचपन से लेके एक ही मोटो है कि वी आर ऑर्डिनरी पीपल बट वी आर हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। तो सभी लोग साधारण होते हैं लेकिन उनके अंदर असाधारण प्रतिभाएं होती हैं, उस प्रतिभाओं को हमें डेवलप करना होता है क्योंकि कोई भी पेड़ से सीख कर नहीं आता। एंड वी ऑल हैव टू शो अवर फुल टैलेंट एंड वी कैन प्रूव अवर सेल्फ दैट वी विल ट्राई अवर बेस्ट। मैं सर के बारे में खासियत और बता दूं कि केवल जैसा मैंने कहा कि सर केवल इंग्लिश स्पीकिंग ही नहीं सिखाते बल्कि मोटिवेशन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और कई बार उनको कई जगह ले भी गए और हम लोग इस पर डिस्कशन किए, स्पीच दिया, मोटिवेशन के बारे में बताया, तो ये मुझे अच्छा लगा। अभी तक सर आई थिंक सर कितने साल से आप पढ़ा रहे हैं? लगभग मैं 18 से 20 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ और लगभग 10 से 12 हज़ार से ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे हैं, ऑल ओवर 15 कंट्रीज हैं, टेरिटरीज में। मुझे खुशी होती है कि लोगों ने इतना बेहतर किया और अपने लाइफ में कुछ कर रहे हैं। तो सर इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा या इंग्लिश ऐसा मतलब इंग्लिश के अंदर ऐसी कौन सी खासियत है कि जो लोगों के अंदर ऑटोमेटिक निखार ला देता है? देखिए बहुत बड़ी बात है, आप सभी लोग जानते हैं कि जब तक कभी कभी क्या होता है, भाषा एक बहुत बड़ी बात होती है कम्युनिकेशन के लिए, और तब तक हम पूरी दुनिया को कम्युनिकेट नहीं कर सकते जब तक कि हम इस लैंग्वेज को ना सीखें। और पूरी दुनिया में अगर आप कहीं भी चले जाइए, इनफैक्ट आप चाइना भी जाते हैं, जापान भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, अगर इंग्लिश आता है तो आप लोगों को बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, आप अपनी विचारों को उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनकी भावनाओं को आप समझ सकते हैं इसी भाषा के माध्यम से। इसीलिए इस भाषा को मैं एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा हूँ लोगों को, लाखों करोड़ लोग आकर सीख सकते हैं, जुड़ सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात अपने जिंदगी में जो चीज़ उन्होंने सोचा है या जिन सपनों को उन्होंने देखा है उन सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। इंग्लिश सिखाते सिखाते आपको इतना तो एक्सपीरियंस हो गया है सर, क्योंकि मैं सीखा हूँ, मैं समझ सकता हूँ, तो सबसे मेन पॉइंट ऐसा क्या होता है कि उस बच्चे के अंदर कैसे आप वीकनेस को पकड़ते हैं? देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोई भी बच्चा मेरे पास आता है तो सभी की यही कहानी होती है कि सर मैं बड़ा कमज़ोर हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं कि सभी लोग टैलेंटेड होते हैं, सबके अंदर एक गजब की प्रतिभा होती है, लेकिन उस प्रतिभा को निकालने के लिए उन्हें प्रेरित करना पड़ता है क्योंकि प्रेरणा सबसे ज़्यादा काम करता है। और अगर आप किसी को मेरा यही काम है, पहले लोगों को शब्द दिखाना, जैसे मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को देखा है बस डायरेक्टली वो अपना सिलेबस स्टार्ट कर देते हैं, पढ़ाने लगते हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ क्या है, जो मोटिवेटेड है, जो इंस्पायर्ड बंदा है उसको तो हम लोग मोटिवेट करते ही हैं, और जिसके पास जैसे कुछ लोग शौक के कारण इंग्लिश सीखने चले हैं तो सबसे पहले हमारा मोटिवेशन रहता है उनके लिए, इंस्पिरेशन होता है कि वो क्यों सीखना चाहते हैं, इस भाषा को सीखने के बाद क्या करेंगे, क्योंकि जब तक उनका कोई स्पष्ट गोल नहीं होगा, कोई पर्पज नहीं होगा, तब वो सीख भी नहीं पाएंगे। और इसलिए मेरी पूरी फोकस होती है कि कोई भी मतलब अपने ड्रीम को पहले समझे और ड्रीम के साथ साथ उन सारी चीज़ों को पूरा कर सके, क्योंकि आज का जो युवा है वो भटका हुआ युवा है, उसके दिमाग में जैसे हाई स्कूल इंटर पास करता है तो उसके दिमाग में ये आता है कि हम ये भी कर लें, ये भी कर लें, या ये भी कर लें, तो कैसे कोई भी स्टूडेंट फोकस्ड रहे कि बस मुझे यही करना है, आई विल हैव टू अचीव इट। ये बिल्कुल तनवीर आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया और मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा कि सारे युवा लगभग होते हैं क्योंकि बचपन से कोई मोटिवेशन नहीं मिलता। जैसे कि अगर आप देखें गार्जियन को, अगर आप गार्जियन के पास जाते हैं तो गार्जियन पैसे दे देगा, लेकिन अगर आप उनसे पैसे की पूछें कि
मुझे क्या करना पड़ेगा आगे चल के, तो शायद बहुत कम ऐसे गार्जियन होंगे जो सही बता पाए। तो इसीलिए सबसे पहले हमें युवाओं को मोटिवेट करना होता है, उन्हें इंस्पायर करना होता है, उन्हें बताना होता है कि आगे चल के आपको करना क्या है। आप एक गोल को सेटअप करिए, जैसे कि अगर आप दो नावों में सवार होंगे तो आप सिर्फ पानी में जाएंगे। तो सबसे पहले अगर बी ऑलवेज विद अ सिंगल एम, क्योंकि अगर आपका एक एम है और उस एम को प्राप्ति के लिए अगर आप अपना मोटिवेशन और सबमिशन के साथ काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि सबसे पहले जो ड्रीम होता है, क्योंकि इंग्लिश में बड़ी अच्छी कहावत है द ड्रीम्स आर द ड्राइविंग फोर्स, क्योंकि सपने हमें ड्राइव करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं। और इसीलिए क्योंकि जो आपका सपना, जो आपकी बर्निंग डिजायर होती है वो आपके साथ कर सकती है, मुझे नहीं लगता कोई और कर सकता है। क्योंकि बर्निंग डिजायर अगर आपके पास है तो डेफिनेटली जिन चीज़ को आप अचीव करना चाहते हैं आप जरूर उसके लिए काम करेंगे और एक दिन अचीव करेंगे। और सबसे बड़ी बात, बहुत बड़ा एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, और बहुत सारे लोग आपको फॉलो करेंगे और आप जैसा बनने की कोशिश। युवाओं को अगर आपके युवाओं की बात की जाए और स्पेशली इस लॉकडाउन में, लॉकडाउन ना होते हुए भी, आप युवाओं को कोई ऐसा दो पॉइंट कम से कम क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे वो अपने गोल के पर, जिससे वो अपने गोल को पा सके, आसानी से अपने गोल तक पहुंच सके। बिल्कुल, देखिए आप सभी लोग जानते हैं युवाओं को मैं कहना चाहूँगा सिर्फ सक्सेस के लिए, हमें सफलता के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए हमें प्राइस पे करना पड़ता है। सबसे पहले यू ऑल हैव टू हैव पेशेंस। अगर आप सभी लोग धैर्य रखेंगे और एक सिंगल एम के साथ काम करेंगे, और सबसे बड़ी बात अपने पर डिपेंड रहिए, क्योंकि हमारे मोदी जी, हमारे गवर्नमेंट ने भी कहा है कि आत्मनिर्भर, जब तक आप आत्मनिर्भर नहीं रहेंगे, जब तक चीज़ें आप खुद से नहीं समझेंगे तब तक आप बहुत आगे नहीं जा पाएंगे। तो सबसे पहले बी ऑलवेज विद अ सिंगल एम एंड हैव पेशेंस एंड वॉट एवर द टास्क आर एक्शन यू आर मेकिंग टुवर्ड्स योर गोल, बिकॉज दैट इज योर डेस्टिनेशन टू, यू ऑल मे अचीव दैट वन डे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सर का भी एक यूट्यूब चैनल है, सर से मैं जान लेता हूँ कि सर के यूट्यूब चैनल का नाम क्या है। मैं यूट्यूब का लिंक जो है वो नीचे दे दूंगा, आप लोग आसानी से जाकर के सर के चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और सर से ही मैं चाहूँगा कि सर आखिरकार ऐसा क्या रीजन रहा कि आपको यूट्यूब चैनल पे आना पड़ा। देखिए सबसे बड़ी बात है, मैंने आपको बताया कि लगभग 14 से 15 देशों कंट्री जो टेरिटरीज में मेरे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग गांव में रहते हैं और गांव एरिया इतना ज़्यादा बेस्ट नहीं होता, अब्रॉड नहीं होता कि लोग बहुत सारी चीज़ों को सीख सकें, इसलिए मैं यूट्यूब चैनल पर आया हूँ कि लाखों करोड़ लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बना सकूँ। और दुनिया के हर कोने में मैं अपनी प्रतिभा से, जो भी हमारे अंदर ऊपर वाले ने जो प्रदत्तियाँ प्रदान की है, मैं उन्हें कुछ सिखा सकूँ और उनकी ज़िंदगी को बदल सकूँ। क्योंकि मेरा भी एक सपना है, आई वॉन्ट टू हेल्प टू पीपल इन अचीविंग देयर गोल्स, लोगों का सपना पूरा हो जाए, और वही मेरा सपना भी है। और मेरे चैनल, जैसा कि तनवीर जी ने बताया, मेरे चैनल का नाम है SB मोटिवेशन एंड लैंग्वेज पॉइंट, आप सभी लोग जरूर देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, या आप संदीप बर्नवाल के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। देखिए मैं सबसे पहले मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं बहुत वीडियोज में बता चुका हूँ कि जब तक आप लैंग्वेज के साथ IT नहीं डालेंगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ लैंग्वेज भी चाहिए, तो लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए एरी सेलेक्टेड सिखा रही है, इनफैक्ट मैं सिखा रहा हूँ, लेकिन आपको अगर IT का नॉलेज है तो आप बहुत आगे जा सकते हैं, आप अपने उन सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं, देख सकते हैं, और आप लाखों लोग की ज़िंदगी बदल सकते हैं। इसके लिए मैं ज़रूर आप लोगों से चाहूँगा कि टॉक विद तनवीर एक चैनल है, यूट्यूब चैनल है, जिसे आप जाइए सब्सक्राइब करिए, और बहुत सारी IT के बारे में, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, उन सारे इन्वेंटरी स्टेटस को, उन सारी चीज़ों को आप समझ सकते हैं या जान सकते हैं जो कि हमें किसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज या मेरे हिसाब से इंजीनियरिंग कॉलेज में भी नहीं बताया जाता। वो सारे स्टफ, उन सारी चीज़ों को पॉइंट्स या आप सब्जेक्ट्स का लीजिए, टॉक विद तनवीर यूट्यूब चैनल पर पढ़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं हम लोगों को। धन्यवाद सर समय देने के लिए। और दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों जैसा आप लोग का कमेंट रहेगा, आप लोग हमें कमेंट करना, सर से हम और ढेर सारे इस पर टॉपिक पे बात करेंगे, इंटरव्यू टिप्स एंड ट्रिक पे कि कैसे इंटरव्यू दिया जाना चाहिए, क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड और ढेर सारे टॉपिक पे हम लोग वीडियोज़ बनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों वीडियोज़ को देखने के लिए। मेरा नाम है तनवीर और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर।